मतलब एक न्यू कमर टीचर चालू करे तो कोई दिक्कत नहीं, बट एक एग्जिस्टिंग टीचर अगर चालू करे तो मतलब पीपल क्रिटिसाइज कि वो, देखो मुझे किसी को कुछ दिखाना विखाना नहीं है, जो भी लोग पढ़ा रहे हैं बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े टाइम से पढ़ा रहे हैं वगैरह वगैरह, पर मेरा एक मन था ठीक है, और मेरे को लगता है कि मेरा जो मतलब कोर सब्जेक्ट है लॉ, उसके साथ एकदम वो सिंक में बैठता है पूरा, बिकॉज इनफैक्ट वो लॉ से भी और ज़्यादा इंटरप्रिटेटिव है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज लॉ की एक प्रैक्टिकल जो हम लोग पढ़े बेसिकली ये वाला लॉ, कंपनी लॉ या बिजनेस लॉ, इसका एक प्रैक्टिकल एक लिमिटेशन है कि यहाँ जगह रुक जाता है, जबकि इनकम टैक्स ऐसा लॉ है जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है, रोज़ रोज़ नए नए ताज़ा ताज़ा उस पर केसेस होते हैं, और डेटा इंटेंसिव बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दिस लॉ, बहुत ज़्यादा रिगरस डेटा इंटेंसिव है, और अब तो पेपर पैटर्न का स्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छा है, यू हैव गॉट 60 ऑफ इनकम टैक्स एंड 40 ऑफ GST इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ठीक है, ऊपर से 30 मार्क का MCU आ रहा है मल्टी चॉइस क्वेश्चन, और टैक्स में तो मल्टी चॉइस में लोग इतना पूछ सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, बिकॉज टैक्स में डेटा बहुत ठूस ठूस के भरा होता है, जो सिर्फ ना कि हमको समझना है और ना ही उसका सिर्फ लॉजिक समझना बल्कि उसको याद भी रखना है। जो मेरे साथ सबसे बड़ा चैलेंज आया था ना व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, कि मैं इतना डेटा एक बार में याद नहीं रख पाता था, और मेरे को बहुत दिक्कत होती थी जब जैसे बड़े बड़े जब सम्स आते थे ना टैक्सेबल इनकम के, PGB वगैरह, PGP में तो मेरे को दिक्कत नहीं होता था क्योंकि PGP जस्ट खत्म हुआ तो सम्स आ रहा है तो यू कैन हैंडल, बट जब पूरा खत्म होकर अपने सम्स करते थे तो मेरा एज अ स्टूडेंट मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा टूटा हुआ रहता था, क्योंकि कई जन क्लास में चिल्लाते रहते थे आंसर ठीक है, और होमवर्क भी करके आते थे वो, और मैं होमवर्क कर नहीं पाता था ठीक है, सीधा प्रकट हो जाता था, और कुछ जन क्या होता तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, अब जैसे ये क्लासरूम में देखो तुम लोग 300 जन बैठे हो ना टपाक करके, 300 में से ना अगर 30 जन चिल्लाएगा ना तो ऐसा मतलब जैसे 300 में सिर्फ 30 जन चिल्ला रहा है, अब सपोज मान लो मैं वहाँ बैठा हूँ कोना में एक ठीक है, तो मेरे को क्या फीलिंग आएगा, मेरे को सबको आता खाली हम ही एक ठीक है, और मेरा पूरा कॉन्फिडेंस उड़ जाता था एकदम ठीक है। तो मेरे लिए टैक्स में मतलब तीन चीज़ें होती हैं, एक होती हैं कि सारे प्रोविजन को समझना, सेकंड इनकम टैक्स बहुत इवॉल्विंग सब्जेक्ट है, मतलब हर साल जो बजट आता है ना फाइनेंस एक्ट, बजट का मकसद फाइनेंस एक्ट का होता है कि हर लॉ में चेंज करना, पर सबसे ज़्यादा चेंज इसमें होता है, टैक्स लॉज में चेंज होता है सबसे ज़्यादा, इनकम टैक्स इवॉल्विंग है, GST इवॉल्विंग है ठीक है। मुझे GST इनकम टैक्स के मुकाबले सिंपल लगता है, क्योंकि क्या है GST में आप कोई डिडक्शन वगैरह एक्सपेंस का तो क्लेम होता ही नहीं, रेवेन्यू आया वहीं पे मार के पैसा ले लो सीधा ट्रांजैक्शन पे, जबकि इनकम टैक्स में इट इज मतलब योर अल्टीमेट इनकम टैक्स इज कैलकुलेट आफ्टर ईयर एंड, हालांकि हम लोग बीच में एडवांस टैक्स जमा करते हैं बट अल्टीमेट कैलकुलेट कब होता है, ईयर एंड के बाद, और उसमें क्या है दुनिया भर का एक्सपेंसेस कुकअप करके, समझ रहे हो मेरी बात क्या बोल रहा हूँ, दुनिया भर के एक्सपेंसेस को बढ़ा के एडजस्ट करके डिडक्शन क्लेम करने का मौका है, और उसी में तो सारी लड़ाई है कि ये वाला एक्सपेंस का आपको रिडक्शन मिलेगा, ये वाला एक्सपेंस का नहीं मिलेगा। तो इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा रैपिडली मतलब चेंज होता है, उसके केस लॉस भयंकर आते हैं, GST फिर भी मुझे अच्छा लगता है, सिंपल है वो, इजी है। तो अभी इसी चीज़ में तीन चीज़ें जो मुझे ध्यान देनी होती हैं पढ़ाते हो तो उसमें अगर दूंगा तो नंबर वन है समझना, सेकेंड है उसका बैकग्राउंड, इन सब का बैकग्राउंड बहुत है, मतलब आज बजट में अगर कोई चीज़ आया है तो देर इज अ बैकग्राउंड, देर इज अ पॉलिटिकल हिस्ट्री बिहाइंड इट, एंड सबसे ज़्यादा बजट से अफेक्टेड कौन होता है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा बजट से अफेक्ट होगा, वो टैक्स ही होगा, ये सब लॉस में तो बहुत कम आते हैं चेंज, उसी में ज़्यादा आता है, तो उसका हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री समझने से अपने को बहुत फायदा हो जाता है, हिस्ट्री एक बार समझ गए ना कि ये ऐसे आया क्यों आया तो माइंड नेचुरली बहुत लंबे टाइम तक याद रखता है। और तीसरा चीज़ है वो सब कुछ समेट के एक बार अपने खोपड़ी में डालना ताकि बड़ा से बड़ा सम भी आए तो क्रैक कर दे, ठीक है। तो वही जस्ट मुझे अनाउंस करना था, आई विल बी स्टार्टिंग इट ऑफ फ्रॉम दिस 1st September। नो ऐसा होता ही है कि मतलब क्या होता है कि सिंस आई हैव बीन टीचिंग फॉर लाइक 6-7 ईयर्स, एक तो एक हिस्ट्री बन जाता है ना, एक ब्रांड एसोसिएट हो जाता है कि नहीं ये टीचर मतलब ये सब्जेक्ट का। तो इनिशियली तो होता ही है वो कि इनिशियली बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स फेस करने पड़ते हैं, इंटरव्यू तो मैं फेस किया था, ऐसा नहीं है मैं चालू किया था पढ़ाना फाइनल के लॉ ऑडिट से, इंटरव्यू मेरा चल रहा था हालांकि, पर मेरा नाम बिल्कुल नहीं था मार्केट में, एकदम भी नहीं। 2012 से जब मैंने पढ़ाना चालू किया तो मैं इंटर फाइनल दोनों ही पढ़ा था, इनफैक्ट आई स्टार्टेड इंटर 2-3 मंथ्स बिफोर फाइनल, पर हुआ क्या कि फाइनल में टीचर्स थे नहीं, तो फाइनल में भी लेकिन मेरे को बहुत समय लगा, 2.5 साल लगा फाइनल में एस्टैब्लिश होने में, तब तक मैं इंटर में फिर भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ था, ऑल्दो आई वाज टीचिंग इंटर दैट टाइम ऑल्सो, ठीक है। आई हैड हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स, तो एक एग्जिस्टिंग एक ब्रांड नेम वाला टीचर अगर बैठे हैं कोई भी बड़े सब्जेक्ट को तो उनको हटाना बहुत बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, भयंकर मुश्किल, सबके नाम सबको जानता है, मैं क्या बोलूँ, ठीक है।
अरे तुम लोग ये सब मत करो ठीक है सब, मैं मतलब इतना बाप रे बाप मैं क्या बोलूँ, मतलब भयंकर भयंकर, मतलब छोड़ो एक्स वाई जेड ट्रॉमा। तो फिर वो लाइक इंटर को चलने में 4 साल लग गए, 2016 फाइनल, 2014 में मिडल में जाके किक ऑफ हो चुका था। जब ये कंपनी से 2013 आया ना वहीं से, तब मतलब एक बार मेरा बहुत ज़्यादा नाम हो चुका था। 2014 के मिडल में मैंने अमेंडमेंट क्लासेस लगाई थी कंपनी से 13 की, तो मतलब इट वॉज फुल लाइक जैम पैड, वो वाला रूम जो होता है, ये सब पूरा कनेक्टेड चल रहा था। और उस वक्त मेरे को फर्म्स लोग से कॉल आना चालू हो गया था, ठीक है। फर्म लोग मेरे को हायर करना चाहती थी, बोलते कि तुम हमारे एडवाइजरी डिपार्टमेंट में आओ, तुम खाली ये कंपनी वालों पर एडवाइस देना। पर तब तक मैं सेट हो चुका था ना, ठीक है, तो मैं कैसे वहाँ जाता जॉब करने। कोचिंग लाइन में सेट होने के बाद तुम थोड़ा सीए फर्म की तरफ जाओगे, मतलब जिस जिस फर्म ने मेरे को रिजेक्ट किया था इंटरव्यू के टाइम पे, वहाँ पे वहीं सबसे आने लग गया था कि तुम इसमें आ जाओ, तो तब नहीं। और फिर मुझे याद है कंपनी सेट में नाम फेमस होने के बाद 2015 के जनवरी महीने में एग्जैक्टली इसी रूम में 150 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बैठ के मैंने पूरा पढ़ाया था। इट वॉज 27 आवर्स का लेक्चर, ऑब्वियसली 3-3 घंटा करके 9 दिन तक स्प्रेड करके था, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आए थे लेक्चर करने को पूरा कंपनी जेड का, फीस थी उसमें। और स्टूडेंट जो होता है वो पैसा देने वाले सोचता है, समझा, पर जो क्वालिफाइड सी है वो तो उसका फीस भी बहुत, मतलब तो फिर उसके बाद से, लेकिन मैं इतना मतलब उनकी उनको पढ़ाना बहुत चैलेंजिंग होता है, बाय द वे जो क्वालिफाइड सीए लोग होते हैं भयंकर चैलेंजिंग होता है। खैर वो हो गया, और उसके बाद तो फिर आई मूव्ड ऑन एंड ऑन, और 2016 में फाइनली ये हुआ था कि जब इंटर का थोड़ा एक हो गया था प्रेजेंस, मतलब देन आई वॉज वन ऑफ द प्लेयर्स, बट मैं लग गया कि हाँ भाई इंटर हो जाएगा, ठीक है। और उसमें भी इतना आसानी से कुछ नहीं हुआ था, इंटर में भी जब जम गए तो उसमें भी वो सब्जेक्ट वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा होता था, इसका लॉ अच्छा है, वो अच्छा है, वो उसका अच्छा है, वो अच्छा है, तो दीज थिंग्स यूज टू हैपन, क्योंकि लोग जल्दी से लॉजिक समझते नहीं, ये नेचुरल है ना। हम लोग तो नाम देखते हैं, नाम ब्रांड नेम जो सुनते हैं वगैरह, वी डोंट गो आफ्टर लॉजिक और दिस और दैट। तो फिर वो एक सर्टेन टाइम पूरा बीता, तो अब जाके वो थोड़ा क्लैरिटी हुआ। तो सेम थिंग विल हैपन टू दैट सब्जेक्ट ऑल्सो, बट आई हैड टू स्टार्ट मीन्स आई हैड टू स्टार्ट, ठीक है, इसमें कुछ नहीं। वेट मतलब क्योंकि मेरा एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा मन था इसमें, काफ़ी एक पढ़ाने में भी बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो अब क्या हेलो अभी से चालू हो गया क्रिटिसिज्म अभी पता है मेरे को बहुत क्रिटिसिज्म वगैरह होते रहते हैं, इट विल टेक टाइम, ठीक है, बट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता था जस्ट वो अनाउंस तो कर दूं, ठीक है, पार्टी अरे भाई पहले चलने दो, पहले पैसा, पहले से ही पार्टी कहाँ से हो सकती,